हेलो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू और स्टोरी रीडिंग सेशन में आपका स्वागत है मैं बहुत सारी स्टोरीज़ आपके लिए पढ़ रहा हूँ और आज की जो स्टोरी है मैं पढ़ूँगा टेक्स्ट मेरे साथ है मिरर ऑफ लाइफ की मिर्च एंड हल्दी पढ़ रहा हूँ आपके लिए आप इंजॉय करिए इसका मिर्च एंड हल्दी वर सिस्टर्स एंड दे वर मैरिड इन द सेम विलेज मिर्च और हल्दी दोनों बहनें थी और वो एक ही गाँव में उनकी शादी हुई थी वंस मिर्च वेंट टू हर पेरेंट्स होम विद हर टू लिटिल किड्स एक बार मिर्च अपने मम्मी पापा से मिलने गई अपने लिटल uh, किड्स uh, के साथ टू लिटिल किड्स के साथ ऑन द वे रिवर केम एंड मिर्च थाट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द रिवर रस्ते में नदी आई और मिर्च ने सोचा कि नदी से पानी पिया जाए द रिवर आस्कड हर काइंडली टू ड्रिंक द वाटर बट आल्सो क्लियर द स्टिंकिंग फ्रॉड फ्राम द वाटर सो नदी ने मिर्च से कहा कि तू तो जी भर के पानी पी लेकिन जो बेवजह की झाग आ गई है जिससे स्टिंकिंग बदबू पैदा हो रही है उसको साफ़ कर देना थोड़ा सा बट आफ्टर ड्रिंकिंग द वॉटर द मिर्च सैड दैट शी वॉज नाट फ्री एज शी हैड टू गो ए लॉन्ग वे लेकिन पानी पीने के बाद मिर्च ने कहा कि मेरे को बहुत दूर तक जाना है और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है द रिवर बिकेम वेरी एंग्री रिवर को बड़ा गुस्सा आया द मिर्च कैप्ट ऑन वॉकिंग एंड वॉकिंग दैन ए कैमल मैटर शी रिक्वेस्टेड द कैमल टू राइड दैम टू हिज पेरेंट्स विलेज टू हर पेरेंट्स विलेज तो रिवर गुस्से होगी तो रस्ते में फिर कैमल मिला सो so, मिर्च ने रिक्वेस्ट की कैमल से कि उसको uh, घर छोड़ दे वो थक गई है उसके और उसके बच्चों को ही सेड दैट शी वुड हैव टू फीड हिम ग्रास एंड क्लियर हिज डंग बॉल्स फ्रॉम द प्लेस वेयर ही यूज्ड टू सेट कि यहाँ पे वो बैठता है वहाँ पर थोड़ी गंदगी फैल गई है और कुछ उसके जो डंग बॉल्स है उसको साफ़ कर दे थोड़ा सा तो uh, uh, फिर हो जाएगा ऐसा शी uh, एग्रीड वो कहती कोई बात नहीं uh, आप पहले मेरा काम करो फिर उसके बाद मैं ये सारा काम कर दूँगी बट व्हेन शी शी रीच्ड हर पेरेंट्स विलेज शी ब्लंडली रिफ्यूज टू ऑनर हर प्रोमिस लेकिन जैसे ही वो uh, अपने माता पिता के गाँव में पहुँची घर में पहुँची तो वो कहती कि देखो मेरे पास टाइम नहीं और उसने ब्लंटली रिफ्यूज़ कर दिया देन वट हैपन द कैमल बिकेम वेरी एंग्री कैमल को बड़ा गुस्सा आया एट हर पेरेंट्स होम शी डिड नथिंग बट स्लेप्ट एंड एट पेरेंट्स के घर में भी उसने कुछ नहीं किया खूब खाया पिया और सोई वो और उस उनकी कोई हेल्प नहीं की एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग बैक हर पेरेंट्स शी गॉट वेरी लिटल गिफ्ट्स और कोई ज़्यादा बातचीत भी नहीं हुई बस आई खाई पिया सोया ऐसा किया उसने और उसके पेरेंट्स से ने भी उसको कोई ज़्यादा फिर गिफ्ट्स नहीं दिए और फिर वो घर आ गई वेल कमिंग बैक शी मेट द सेम कैमल वापिस आते वक्त वो उसी कैमल को मिली शी वॉज़ टायर्ड एंड शी रिक्वेस्टेड द कैमल टू हेल्प हर बट ही रिफ्यूज्ड बाई सेंगट ही वॉज शी वॉज़ वेरी सेल्फिश तो उसी कैमल से उसने रिक्वेस्ट की कि उसको थोड़ा दूर वो छोड़ दे लेकिन कैमल ने कहा कि तुम तो बड़ी सेल्फिश हो स्वार्थी हो पिछली बार तुमने जो अपना प्रामिस किया था उसको पूरा नहीं किया है सो आई एम सॉरी शी हैड टू वॉक एंड वॉक एंड वैन रीच नियर बाई द रिवर शी रिक्वेस्ट द रिवर फॉर ए लिटल वाटर टू ड्रिंक और वो बहुत चलने के बाद थक गई तो रीवर आई आगे रीवर से उसने रिक्वेस्ट की कि मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ तो रिवर uh, ने भी uh, पहले से ही गुस्सा थी उससे यू नो द रिवर वॉटर वैन डाउन एंड शी कुड नॉट टेक द वॉटर और रिवर का पानी नीचे चला गया आटोमेटिकली और वो पानी भी नहीं पी सकी अच्छे से uh, वेरी uh,

हल्दी लाव्ड एंड सेट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर एंड डीलिंग्स ऑफ द पर्सन लेकिन हल्दी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है ये वास्तव में आपके बिहेवियर और डीलिंग पे डिपेंड करता है कि कौन कैसा है ए मंथ पासड एंड हल्दी मेड ए हर माइंड टू विजिट हर पेरेंट्स होम एक मंथ बाद हल्दी ने भी सोचा कि वो अपने मम्मी पापा के पास विजिट करके आए आशिटुक हर लिटिल क्यू डॉटर विद हर एंड स्टार्टेड हर जर्नी उसने अपनी छोटी सी प्यारी सी बच्ची को साथ लिया और उसने वो जर्नी स्टार्ट की द रिवर केम इन द वे एंड वैन हल्दी थाट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर द रिवर रिक्वेस्टेड टू क्लियर द स्टिंकिंग फ्रॉड फ्राम इट्स सरफेस और रस्ते में नदी आई जब उसने सोचा कि मैं पानी पीऊँ तो नदी ने रिक्वेस्ट की कि वो जो आ, गंदी बदबू वाली जो झाग है उसको भी थोड़ा सा वो साफ कर दे शी डिड सो हैपली उसने बड़ी खुशी से ये किया ट वाटर एंड वेंट अवे बाय सेइंग गुड बाय टू द रिवर उसने बड़े अच्छे से उसको साफ़ किया पानी पिया और उसको गुड बाय कह के वो चली गई फिर वाइल्ड वॉकिंग द सेम कैमल मेट हर एंड ही वॉज वेरी इन वेरी बैड कंडीशन और आगे चल के वो जा रही थी तो उसको भी वही कैमल मिलता है जो uh, मिर्च को मिला था उसकी सिचुएशन बड़ी पीटिएबल थी बैड कंडीशन में था वो शीटों के पिटी ऑन हिम एंड मेड हिम बाथ इन द रिवर एंड क्लीन द प्लेस वेयर ही वॉज सिटिंग उसको उस पर दया आई उसने उसको क्या किया जिस प्लेस पे वो बैठा था उसको साफ़ किया और उसको नहलाया भी नदी में और वो दिखने में गुड लुकिंग हो गया ही बिकेम वेरी हैप्पी एंड ही मेड हल्दी एंड हिज डॉटर सिट ऑन हिज़ बैक एंड ड्रॉप दैम एट हल्दीज पेरेंट्स होम कैमल बड़ा खुश हुआ उसने हल्दी और उसकी बेटी को अपनी पीठ पे बिठाया और उसके पेरेंट्स के घर छोड़ आया उसको हल्दी रिक्वेस्टेड द कैमल टू स्टे फॉर ए वीक विद दैम एज शी वॉन्टेड टू फीड हिम टू हिज हार्ट्स कंटेंट और फिर क्या किया हल्दी ने कैमल को कहा कि तुम यहीं रुको हमारे पास कुछ खाओ पियो तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाएगी और उसने सोचा कि मैं इसकी सेवा भी करूंगी इस बहाने ही एक्सेप्टेड प्रपोज़ल इन नो टाइम तो कैमल ने तुरंत उसका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया एंड देन व्हाट हैपन हर पेरेंट्स वर आल्सो हैप्पी एट देयर डॉटर्स काइंड बिहेवियर उसके पेरेंट्स भी बड़े खुश हुए कि उसका जो बिहेवियर है वो बड़ा प्लीजेंट uh, है बड़ा प्यारा है

हल्दी इज़ गुड बिहेवियर प्रोमिस टू राइड दैम टू देयर वे बैक होम रिक्वेस्टेड टू बिकम ए पार्ट ऑफ दियर फैमिली विथ सो हल्दी के गुड बिहेवियर के कारण कैमल ने कहा कि मैं आपको घर तक छोड़ के आऊँगा और हल्दी uh, ने भी सोचा कि चलो इट्स वंडरफुल ये अच्छा रहेगा कंपनी बढ़िया रहेगी और उसने ये भी बताया कि मैं तो रेडी हूँ आपकी फैमिली का पार्ट बनने के लिए भी ऑन द वे द रिवर गेव अ लॉट ऑफ गिव हरी लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स रस्ते में जब उसने दोबारा वो नदी के पास आई नदी ने उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी ए बंडल ऑफ क्लॉथ्स फॉर हर एंड हर डॉटर एंड ए हैंड फुल ऑफ प्राइज जेम्स एज शी हैड हेल्पड हर और उसने एक बंडल ऑफ क्लॉथ्स भी दिया रिवर ने और जेम्स भी दिए कुछ जो उसने उसके लिए एज़ ए गिफ्ट कलेक्ट करके रखे थे वैन शी केम होम हर सिस्टर मिर्च वो सरप्राइज टू सी हर हैप्पी एंड एंड ऑन द गिफ्ट शी हैड ब्रॉड विद हर जब वो घर आई तो उसकी जो सिस्टर मिर्च थी उसने देखा भी ये तो कमाल की बात है ऐसा कैसे हो गया उसको जेलसी भी हुई कि जो वो सारी गिफ्ट्स लेके आई थी शी शियाड हल्दी दैट हाउ हैपन्ड इट ऑल कि ये सब कुछ कैसे हुआ हल्दी रिसाइटेड द हॉल स्टोरी हल्दी ने सारी स्टोरी बताई मिर्च थाट ऑफ चेंजिंग हर बिहेवियर बाई एडमिटिंग दैट वंस गुड बिहेवियर एंड डीलिंग डू मैटर्स और फिर क्या किया मिर्च ने भी सोचा कि क्यों ना मैं आपका जो अपना बिहेवियर है उसको सही करूं और उसके बाद उसने अपने बिहेवियर को सुधारा और ये हम सब पे भी लागू होती है कि अगर हमारा बिहेवियर अच्छा है हमारी डीलिंग्स अच्छी है तो सब लोग हमें अच्छे से ही ट्रीट करेंगे और मिर्च वैसे भी तीखी होती है और हल्दी भी कितनी गुनकारी है मिर्च भी गुनकारी है हालांकि सो so, ये हल्दी का गुड बिहेवियर था कि ऐसे हुआ सो आर गुड बिहेवियर डू मैटर्स सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी अगर आपने ये स्टोरी अभी अभी सुनी और पहली बार आप चैनल पे आए तो आप इसको सब्सक्राइब करिए कमेंट करिए शेयर करिए और स्टोरी रीडिंग में जितनी भी और स्टोरीज़ है आप उनका भी आनंद लीजिए मैं और बहुत सारी स्टोरीज़ आपके लिए लेके आऊँगा थैंक यू सो नाइस ऑफ यू गॉड ब्लेस यू ऑल